भाई साहब ये दुकानदारी दूसरी जगह जम दो, दूसरी जगह चलो, इधर नहीं चलेगी। एक महीना पहले मेरी बात सुनो, अरे सर मत बोलो, मैं बात करूँ तो भेजू। एक महीना पहले मेरी बात सुनिए, जो मेरे को बोला उनके क्यों बोलता है। एक महीना पहले भगवान की मूर्ति हटाइए, पेंटर करने से पेंट का काम होने के बाद किसी का भेजा नहीं चला क्या? आप इतने समझदार आदमी हो, सनातन धर्म को नहीं समझते हो, नहीं मानते हो, तो नहीं समझते हो ना, तो तस्वीर क्यों नहीं लगी? मेरे आने के बाद मेरे को जवाब का उत्तर दे रहे हो, तो पहले लगना चाहिए। आज नहीं आता होता, आज नहीं आता होता तो तस्वीर नहीं लगती थी। सनातन धर्म को तो मानो, अरे गली क्यों निकालते हो? कोई चीज गली निकालने की जरूरत नहीं है। गली नहीं निकाल रहे सर, एक बार सुनो तो सही। अरे आप लोग तो मैं इतनी शिकायत सुना, और जो पेशेंट आते हैं उनको चिट्ठी देके भेज देते हैं, बाहर से गोलियां लेते हैं। शर्म करो, भगवान भी नहीं छोड़ेगा आपको, भगवान से डरो। आने वाली औलाद लूली लंगड़ी कानी खोड़ी होगी। अगर गरीब के साथ धोखा दे रहे हैं और बोलते हैं, मेरे को गरीब लोग बोलते हैं सेठ पीते जी हम डिलेवरी करते, हमारे डिलेवरी का भी पैसा लेते हैं, किधर क्या करोगे आप? ये हराम का कमा कमा के और पीछे काना खोड़ा लूला लंगड़ा हो जाएगा और एक्सीडेंट में मारे जाओगे। ईमानदारी से चलो, और भगवान आपको बहुत दिया और बहुत अच्छा करेगा। सफाई करने के लिए सुनो, बोलो मुझे, सफाई के लिए आप ठेकेदार को रखा है, ठेकेदार एक्सरे का जो कराने वाला, ये सब होता है सामने, और नाम है सीमा देवी। सीमा देवी का एक्सरे किया है, पैसा कितना लिया? 300 रुपए लिए है, जबकि ये सुविधा अपने हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में निःशुल्क है। इसके बावजूद भी डॉक्टर लोग ने लिखी दिया, क्यों लिखी दिया? इनकी मिली जुली भगत है, दुकान का नाम है परफेक्ट लेबोरेटरी, इनको दिया इसलिए इनको ये सुबह से शाम तक बाहर भेजते हैं और रात को कमीशन लेके या देते हैं या लेते हैं, और इनका 500 रुपए कमीशन के चक्कर में जनता को 300 रुपए का नुकसान कराते हैं। ये तो आज मैं सामने आया और सबूत दिखा, और मेरे पर्दे के पीछे ये कितना अन्याय कर रहे हैं, कितना जनता को धोखा दे रहे हैं। जनता सर्वप्रिय है, जनता ने मेरे को चुनकर भेजा। मैं डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष IMA राजस्थान, जो कल मेरे चिकित्सक बंधु के साथ गंगापुर सरकारी अस्पताल में माननीय विधायक महोदय ने जिस लहजे में वार्तालाप किया, वो पूर्णतया निंदनीय है, अशोभनीय भाषा का प्रयोग इन चिकित्सकों के लिए किया जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में भगवान का रूप दिया और उन पे फूल बरसाए। मैं मानता हूं कि किसी भी संस्था में कोई गलती हो सकती है, परंतु गलती के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। आप कानूनी विकल्प लेते, मुख्यमंत्री भी SMS हॉस्पिटल गए, वहां पे भी कुछ अव्यवस्था देखी, उन्होंने कानूनी विकल्प का सहारा लिया, न कि कोई अमर्यादित भाषा बोली। मैं ये कहता हूं कि इस युग में बोलना और प्रतिक्रिया करना जरूरी है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन नहीं टूटना चाहिए। इस संदर्भ में राजस्थान IMA बड़ी गंभीरता पूर्वक इसको लिया है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को इन जनसेवकों को कैसे भाषा का प्रयोग करना है उनको निर्देश दें, और मैं चाहूंगा कि ये सभी, चाहे अधिकारी हो या विधायक हो या पत्रकार हो, सभी को अपनी भाषा का संयम और शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिला भीलवाड़ा IMA आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग 7 बजे है, हम उस समय उचित निर्णय लेंगे। जय IMA।